अब सीखने को मिलेगा कि ये एक एक हफ्ते का जो गैप है उनके थॉट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो कहानी आपको कहाँ से मिली। अब someone take a picture for my Instagram. This is so Indian. I love it. Okay, Fasha, बहुत बहुत मुबारक for the new show. शुक्रिया. सबसे पहले तो ये जानना हसल है क्या for the rappers, एक revolution आने वाला है. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले show? एक माध्यम है जिससे ये रैपर्स जो अपनी कहानी है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे, घर पे बैठे हुए उनके साथ उनके माँ बाप भी सुन पाएंगे. ये वैसा प्लेटफॉर्म है. I mean, hip-hop is the voice of the future, it's the voice of the youth, and this platform is really looking for real talents that are original, and we're excited to discover, you know, what India has to offer. Yes. Copy-paste. Aur kya bolu, sahi same cheez hai. Absolutely. Yeah. Okay, so rappers mein kaun si qualities aap dekhne wale jis pe aap base, jo first preference rahega aapka? Originality. Hmm. Vibe. Shabdo ka upyog. Hmm. Shabdo ko todne ki kala. Aisi bahut cheeze hain. अपनी कहानी बनाने, अपनी कहानी बताने का एक जरिया, यू नो, आप कितनी सच्चाई से अपनी कहानी बता रहे हो और आपका स्किल सेट क्या है, आप किस तरीके से अपनी कहानी बताते हो, यू नो, कितने क्रिएटिव हो अपनी कहानी बताने में. और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नोट की जाती हैं, जैसे आपका सॉन्ग राइटिंग स्किल्स, आपकी आपका फ्लो, आप कितना बीट से चिपक के रैप करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें. बट द मेन थिंग इज़ टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्रिएटिवली. ओके रफ्तार, आप सभी से जान रहे हैं, आपने जैसे कहा कि लिरिक्स बहुत ही मेन है, वर्डिंग जो रहेगी वो पहले प्रेफरेंस रहेगी. तुम्हारी बताओ क्या हमारी लाइन? प्रोफेसर ऑफ रैप. नो नो नो, वो लाइन ओ लेखकों का स्वागत है, टिकेगा वो जिसके शब्दों में ताकत है. डिस्क्लेमर यही है कि अगर आपके शब्द भारी नहीं होंगे तो हम आपके आभारी नहीं होंगे. ओके, रिसेंटली रैपर्स लोग को देखा जाए तो जो वर्डिंग्स को लेके बहुत जने कहा गया कि बहुत अपशब्द यूज किया जाता है, बहुत को आपत्ति है उसके लिए, उसके बारे में क्या जानते हो? बिकॉज यू आर बहुत ही अच्छे रैपर्स हैं और आप जब भी रैपर के नाम आते हैं तो आप तीनों का नाम पहला आता है. सो हाँ, मेरा तो सबसे पहला. यस, वी एग्री टोटली. ओके, सो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कि मेरा नाम पहले क्यों आता है? नहीं, अब शब्दों के बारे में, अब शब्दों में मेरे को टेंशन नहीं है ब्रो, डालना बिंदास है ना. I don't have any problem with that. टीवी पे जाएगा तो सेंसर हो जाएगा, मीडिया पे जाएगा सेंसर नहीं होगा, यूट्यूब पे आएगा तो ऑप्शन है, एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा. ये तो आपके हाथ में और सुनने वालों के हाथ में है. बाकी हम व्यूज देखते रहते हैं कैसे गानों पे कितने आ रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है. तू देखते हो ना. On censoring music? वो तो वहाँ से आई है, वहाँ सेंसर वेंसर नहीं होता. Yeah, we just do what we want. That's it. वहाँ के गानों को अगर हिंदी में कन्वर्ट करके गाने लगेंगे तो देश निकाला हो जाएगा. Freedom of speech. But you know, अगर हम देखा जाए तो do you feel कि जो शब्द है उनका उपयोग थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए, because ये youth को represent करता है, youth ज़्यादातर. नहीं, मेरे को लगता है कि सेंसर होना चाहिए. सेंसर ऐसा होना चाहिए कि जो 18 अबव कॉन्टेंट है वो 18 अबव के पास ही डिलीवर होना चाहिए. एक आर्टिस्ट की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर रोक नहीं लगा सकते कि आप बदलो, क्योंकि वो जो बात बोलना, जैसे मैंने मंटोनियत में बोला है, जो लाइन बोली है मैं वर्ड अभी बोल नहीं सकता क्योंकि आपका शो ऐसा है जिसमें मैं बात नहीं बोल सकता, पर उस गाने में बोला क्योंकि वो मूवी भी ए थी और उसकी ऑडियंस जो थी वो ए थी. वो कंट्रोल करना है आपको कि जिसके पास रीच है, जिसके पास पहुँचता है वो सही जगह पर पहुँचे. So, जब आप ये शो करेंगे और जब सेंसर्ड, पूरा सेंसर्ड है. और अगर कोई ऐसा शब्द है जो बहुत ज़रूरी है उनके गाने के साथ, देखो जैसे गाली भी होती है वो एक एक्सप्रेशन होती है, कभी कभी उसमें हम सिचुएशन समझा देते हैं. जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो लड़कियों को बोले जाते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, अगर मैं वही बात बोल के नहीं बताऊंगा कि लड़कियों को तुम ये शब्द बोलते हो और ये गलत है तो कैसे समझा पाऊंगा? तो समझाओगे कैसे आप? सही बात है. तो वो चीज़ हम फिल्टर कर लेंगे उस हिसाब से कि जो चीज़ बहुत गलत है उसका मतलब निकाल के या तो वो आएगा या नहीं आएगा. ओके सर, तो कौन से सीरीज में आप जाने वाले कंडीशंस के? क्या ओनली इट्स ओनली फॉर द मुंबई? नहीं नहीं, ये तो सारा पैन इंडिया कवर हो चुका है. हमारे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, ऑडिशंस हो चुके हैं और टॉप 15 भी सेलेक्ट हो चुके हैं. कितना डिफिकल्ट रहा आप लोगों? बहुत मुश्किल रहा क्योंकि पहले
6,000-7,000 एंट्रीज थी, उसमें से हमारी एमटीवी की टीम ने पूरी इंडिया ट्रैवल करके पर्सनली एक एक जगह पे जाके काफ़ी रैपर्स को इकट्ठा करके सुना, उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए, उसके बाद ऑफिस आए, ऑफिस में वीडियोस हमारे पास आई, हमने उनमें से 40 निकाले, फिर उन 40 को हमने ऑडिशन किया मेन स्टेज पे, उसमें से हमने 30 निकाले, उन 30 में से बिहाइंड द सीन हमने सबका दोबारा से वीडियोज़ देखी, सब कुछ देखा, उसमें से वो 15 निकले। तो प्रोसेस बहुत लंबा था और बहुत विस्तार से था कि दो इंसान एक जैसे ना हो, कोई बहुत कच्चा भी हो सकता है पर उसमें सीखने की क्षमता होनी बहुत जरूरी है। एंड यू नो रैपिंग तो काफी टाइम से चलते ही आ रहा है, बट डू यू थिंक कहीं ना कहीं रैपिंग पर एक शो आने में काफी टाइम लग गया, पर्टिकुलरली जो रैप पर फोकस कर सके? वैसे देखो आप है ना, जिस तरीके से रैप और हिप हॉप म्यूजिक इंडिया में बढ़ रहा है आप उसको रोक नहीं सकते, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये होना ही था। यू नो मुझसे कई बार इंटरव्यूज में पहले भी पूछा कि ये जो मूवी आई है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ हिप हॉप म्यूज़िक का इंडिया में, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर हिप हॉप म्यूज़िक एक दर्जे तक नहीं पहुंचता तो शायद उसकी मूवी भी नहीं बनती, यू नो, सो इट गोज़ हैंड टू हैंड। ओके, जब तीनों एक साथ टकराएंगे, एक साथ जजिंग पैनल पे होंगे, तो यू नो कहीं ना कहीं किसी के ओपिनियंस एक दूसरे से मैच भी नहीं करेंगे, तो जरूरी है, नहीं चाहिए, जरूरी है, क्योंकि क्या पता मैं बहुत गलत हूँ और मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। तो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे से सीखने के लिए भी आए हैं, वो अपना अलग आर्ट लेके आए हैं, जिस तरीके की सॉन्ग राइटर राजा कुमारी है, अगर उससे मैं कुछ सीख पाऊँ तो मेरी क्राफ्ट बढ़ जाएगी, जैसे वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है अगर मैं वो टिप्स ले पाऊँ तो मैं अपने आप को और ईजिली यू नो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाऊंगा, मैं खुद अपनी बीट्स और अच्छी बना पाऊंगा, तो हम एक दूसरे से सीखने आए हैं। तो ये छोटी मोटी नोक झोंक तो परिवार में भी होती है और हम एक परिवार है, स्ट्रेट अप इन द कैप। या बट एवरी डे इज अ स्कूल डे, सो लाइक एस्पेशली व्हेन आई वाज डूइंग माय सॉन्ग राइटिंग आई ट्राइड टू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन दैट यू वर्क विद, एंड ऑल्सो द कंटेस्टेंट्स, यू नो इट्स मेकिंग मी रिमेंबर, यू नो व्हाई आई स्टार्टेड समटाइम्स, आई डेफिनेटली रिलेट विद देम, देयर स्ट्रगल्स, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ फार दे कम, बिकॉज़ वी हैव सीन सो मच you know talent that I'm really excited for this okay, season. Okay, aap sabhi ne kya koi tips di hai top 15 ko kuch? Haan. Top 15 ko nahi di, usse pehle jo shortlist hue the 30 un sab ko di thi. Okay, anything you like to share, jo rappers banna chahte unhe bhi kaam hai, अपनी कहानी बताओ दूसरों की नहीं, क्योंकि हमें जानना है कि आप कहाँ से आए हो, आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या है, या आप क्या बदलना चाहते हो, या आप फन किस तरीके से करते हो, क्योंकि हर चीज़ रैप का हिस्सा है। ओके, लास्टली 10 अगस्त को आ रही है आपकी शो, सो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? कीप वॉचिंग MTV हसल बिगिनिंग 10th of August 7 to 8 PM ओनली ऑन MTV सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू सो मच।